अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। कराची में तो जो लोग हैं वो बारिश एंजॉय कर रहे हैं। कहीं कहीं बारिशों ने जो है वो बड़ा बखेड़ा डाला हुआ है, तो बड़ी जो है वो जहमत हो गई है लोगों को। तो बस हमने सोचा कि बारिश के ही हवाले से थोड़ी सी ऐसी रेसिपी बनाते हैं। पकौड़े तो सब घरों में बनते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कढ़ी बनाई जाए, पकौड़ा कढ़ी, राइट? तो उसके लिए हमें चाहिए बेसन, और इसके लिए हमें चाहिए दही। अब आप देख रहे हैं मैंने ग्राइंडर के अंदर जो दही डाली हुई है। सबसे पहले हमें इसको 3 स्टेप्स में बनाना है। पहले हम बनाएंगे इसका सालन, करी, कढ़ी की जो करी बनती है, और उसके बाद फिर पकौड़े बनाएंगे, और फिर इसका भगार होता है, ठीक है? तो अभी हम करी की तैयारी करने जा रहे हैं। मैंने तकरीबन लिया है ग्राइंडर के अंदर 1 पाव दही, खट्टा दही। आप 1.5 पाव तक दही ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे बेसन, खाने का जो ये चमचा है, ये देख लीजिए, ये जो डिश का चमचा होता है, ये 1 चमचा जाएगा इसमें, 1, और ये दूसरा चमचा जाएगा इसमें 2। ये कम ज़रा आया है तो मैं क्वांटिटी बैलेंस कर दूँ, ठीक है जी? 2 चमचे ये बेसन के गए हैं, और इसके अंदर ये देख लें आप, ये 2 चमचे बेसन के गए हैं, और इसके अंदर जो है दही गया है। अब इसमें जाएगा पानी। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसको करेंगे ग्राइंड, और फिर ग्राइंड करके मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हाँ जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने दही और बेसन को ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करके मैंने इसको एक पतीली में निकाल लिया, ठीक है? अब पतीली में मैंने इसको निकालने से पहले छान लिया था स्ट्रेनर से, ताकि उसके अंदर अगर कोई आपके बेसन में कोई कचरा है या दही में कोई बलाई वलाई है, वैसे तो सब ग्राइंड हो जाता है अच्छी तरह, लेकिन अगर उसमें कोई गलती से भी कचरा आ गया तो वो छन्ने से आराम से छन जाए। इसके बाद अब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अंदर जो चीज़ें हम ऐड करेंगे उसमें सबसे पहले जाएगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर कम से कम इसमें जाएगा 1 टीस्पून, जो आप भर के डालिएगा, ठीक है? क्योंकि हम इसके अंदर अभी और बहुत सारा पानी डलेगा। इसके अंदर जाएगा तकरीबन 3-4 टीस्पून हल्दी के, ठीक है? इसमें जाएगा तकरीबन 3/4, मैंने कहा था, टीस्पून ऑफ हल्दी। हल्दी पाउडर आप 1 टीस्पून तक डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ज़रा येलोइश कलर हमें चाहिए, और करी के अंदर अभी पानी भी बहुत जाएगा, तो मेरी जो हल्दी है ना वो मेरे हाथ में नहीं आ रही है। ओके, नाउ हल्दी डल गई इसके अंदर, लाल मिर्च पाउडर गया, इसमें हम जाएगा ज़ीरा पाउडर। ये इसमें ज़ीरा पाउडर भी आप अपने अंदाज़े से डाल दीजिएगा, 1/2 टीस्पून तकरीबन, 3-4 टीस्पून तक आप डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, क्योंकि कढ़ी का जो आपको पता है ग्रेवी होती है वो ज़्यादा डलती है और ज़्यादा बनती है, क्योंकि पकौड़े जो हैं वो उसकी ग्रेवी पी लेते हैं, ठीक है? नमक फ़िलहाल मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में फिर हम उसमें कम ज़्यादा ताकि कर सकें। अच्छा, कड़ी पत्ते जाएंगे इसके अंदर, मैंने धो के रखे हैं वॉश करके, ये रे कड़ी पत्ते, ठीक है? और इसमें जाएगा लहसुन अदरक, लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है जी? इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। मैं फिर बता दूँ, मैंने बेसन और दही को जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड करके छान लिया। इसके बाद मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून या 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और कड़ी पत्ता, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच। और अब इसके अंदर जाएगा पानी, पानी जाएगा इसके अंदर कम से कम भी 4 गिलास पानी जाएगा, जिसमें ये पकता रहेगा, ठीक है? इतना पानी आप इसमें डालें कि इसे पकना है। अब इसे पकना है तकरीबन हल्की आंच पे 1 घंटे तक, जब तक इसका कलर, टेक्सचर, सब चीज़ें चेंज ना हो जाएं। फिर हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे कि कैसा बनेगा, ठीक है? अब इसको हम चूल्हे पर रख देते हैं 1 घंटे के लिए, हल्की आँच पर, दरमियानी आँच पर। आप देख सकते हैं मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया है, और इसे बग़ैर ढके, इसे ढकना नहीं है, इसे बग़ैर ढके 1 घंटे के लिए पकने दें, तकरीबन बिल्कुल धीमी नहीं, दरमियानी आंच पर, जब तक कि ये करी गाढ़ी ना हो जाए। हाँ जी, तो कढ़ी की सिचुएशन कुछ 1 घंटे के बाद ऐसी ही है, तो मेरा असेसमेंट रॉन्ग था कि आप 1 घंटे कढ़ी को रखें, इसको हमें गाढ़ा करना है, अच्छा खासा पकाना है, और मैंने काफ़ी हल्की आँच कर दी थी, तो अब मैंने आँच थोड़ी तेज़ कर दी है, राइट? तो ये कम से कम भी 2 घंटे में बन के तैयार होगी,
तो जब आपको कढ़ी पकौड़ा बनाना हो तो आप इसका ये वाला काम जो है ना वो स्टार्ट कर दें, सुबह इसको चढ़ा दें ताकि 1.5 से 2 घंटे में आपका ये कढ़ी रेडी हो जाए। तो अब तेज़ दरमियानी आँच पे मैंने इसको रखा हुआ है, आई होप सो 1 घंटे में अच्छी खासी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं दूसरे स्टेप की तरफ लेके चलते हैं। जब तक ये हो रही है मैं आपको बताती हूँ कि हमें पकौड़े बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। जी जी जनाब, पकौड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन का घोल बनाना है, यानी कि बेसन और पानी का मिक्सचर बनाना है, गाढ़ा, ना बहुत गाढ़ा हो ना पतला हो। ठीक है, तो ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, तो हमने बेसन का घोल बना लिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालिएगा। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पकौड़े पसंद हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा जाएगा। ठीक है, और इसमें जाएगा नमक, नमक कम डालिएगा क्योंकि नमक जो है वो मेरा उसमें भी डला हुआ है, हमने करी में भी डाला है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए। अच्छा, इसके अंदर और जाएगा हमारे पास, इसमें जाएगा हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, और मैं फिर बता दूँ इसमें क्या है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, साबुत ज़ीरा, और मैंने पिंच ऑफ हल्दी भी डाला है ज़रा सा पीला फ्लेवर देने के लिए। बाकी नमक गया है इसमें और लहसुन अदरक गया है, और इसमें एक चुटकी मैं सोडा भी डालती हूँ। अगर आपके पास कुटी हुई मिर्चें हैं या भुना कुटा ज़ीरा है तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा आप इसके अंदर, और इसका टेस्ट जो है वो निकल के आएगा। ये हमारा बेसन का घोल बन के तैयार हो गया। ठीक है जी, ये देखें, इसको स्मूथ बैटर की तरह होना चाहिए तभी नरम बनेंगे आपके पकौड़े। इसमें जाएगी अब हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली थी 4 से 5, और ये प्याज है जिसे मैंने पानी में धो के अच्छी तरह इसका पानी खुश कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें जब पकौड़े बनाएंगे तब हम डालेंगे बेसन के अंदर। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है उसके बाद फिर हम पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। उधर हमारा कढ़ी का भी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी होने वाली है, तब तक हम पकौड़े बना के पहले इसको निकाल लेंगे एक जगह अखबार पे या टिश्यू पेपर पे या प्लेट में। उसके बाद जब आपका घोल गाढ़ा हो जाएगा, लाइक करी उसकी गाढ़ी हो जाए थोड़ी सी, ज़रा सा उसका जो थिकनेस का लेवल है वो आने लगे, फिर चूल्हा बंद करके आप उसमें पकौड़े डालेंगे। ठीक है जी, तो अब हमें पकौड़े बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ये देखें हरी मिर्चें डाल दी हैं, और हरी मिर्चें डाल दी हैं, और अब हम इसमें हसबे ज़रूरत प्याज ऐड करेंगे जो कि मैंने काट के रखी हुई थी। जितनी प्याज आपको लगे कि पकौड़े बनाने के लिए चाहिए उतनी आप डालें, जैसे 2, 3, 4। अब कितने लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये इसका आइडिया आपको होगा। इसको हम मिक्स कर करके देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। हमारा जब तक ऑयल गर्म हो रहा है फिर मैं पकौड़े डाल के आपको दिखाती हूँ। अगर आपको हाथ से पकौड़े डालने में मसला है तो आप टेबल स्पून से भी डाल सकते हैं, लाइक जो हम जैसे खाना खाते हैं वो चमचा ले लेकर भी आप भर भर के ऑयल में डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, मैंने इसमें जितनी प्याज मुझे ज़रूरत लग रही थी मैंने अपनी ऐड कर ली, और प्याज ऐड करके जो है वो हरी मिर्ची ऐड करके मैंने बेसन के अंदर सब मिक्स कर लिया। अब हम इसके बनाएंगे पकौड़े। ठीक है, ये मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें 1 बाय 1 पकौड़े डालेंगे। पकौड़े डालते हुए ऑयल तेज़ गर्म कर लें पहले, लेकिन पकौड़े डालते हुए आँच धीमी रखिए ताकि पकौड़े जल ना जाएं। ये देखिए, पहली बार मैंने जो पकौड़े निकाले थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, उसमें से सिर्फ 3 ही बचे हैं। दोबारा डालूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी इतने मज़े के क्रिस्पी पकौड़े बने कि आप ऐसे ही सारे खा जाएं बंदा, बहुत मज़े के हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा प्लीज़। मैं दोबारा पकौड़े डाल के फिर आपको बताती हूँ उसे कैसे फ्राई करना है, तो 2 मिनट में ही फ्राई हो जाते हैं, कुछ पकाना तो है नहीं इसमें। ठीक है जी, बख्याल रखिएगा कि जले नहीं। ये देखिए, हमारे पकौड़े जो है वो फ्राई हो रहे हैं, और इसी तरह आपने सारे पकौड़े फ्राई कर लेने हैं। शेप का कोई मसला नहीं है, बस सॉफ्ट बनने चाहिए, अच्छे बनने चाहिए, घुटली ना हो, सख्त ना हो, जले नहीं। ठीक है, इनको एक अखबार पे या टिश्यू पेपर पे निकालते जाएंगे, फिर जैसे ही हमारा वो लाइक करी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम उसमें सारे पकौड़े डाल देंगे। जी जनाब, ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो कढ़ी है
उसका आप मार्क देख रहे हैं ऊपर कहाँ तक थी, और आधी होके ये आधी हो गई है रिड्यूस होके, और पूरा 1.5 घंटा लगा ऐसे। ये देखें, ये देखें, अभी आपको उसका कलर समझ नहीं आ रहा होगा, बट येलो इन कलर चुके तो अभी लाइट की वजह से ऐसा शेड आ रहा है। ये पूरी आधी हो चुकी है और ये अभी गाढ़ी हो चुकी है। अगर आपको इसको और गाढ़ा करना है, अभी मैंने इसको हल्की आंच पर रखा हुआ है। जैसे ही पकौड़े हमारे ये फ्राई हो जाएंगे, फिर हम सारे पकौड़े इस कढ़ी के अंदर डाल देंगे और ये और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी पकौड़े डालने के बाद। ठीक है जी, तो हम इसको हल्की आंच पे कर देते हैं और पकौड़े फ्राई करके फिर उसके अंदर डाल के फिर आखिरी में आपको बताएंगे कि भगार में हमें क्या क्या डालना है। ये देखिए हमारी कढ़ी जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये इतनी थिक हो चुकी है, ये देखें, सही है। अब इसके अंदर हम सारी पकौड़े जितने हमने बनाए थे सब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बाय 1। ठीक है जी, जी तो ये सारे पकौड़े मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए और अब ये कढ़ी डन हो चुकी है, चूल्हा बंद है। अब हम इसको ढक देंगे और अब इसके करेंगे भगार की तैयारी। ठीक है जी, जी तो भगार के लिए मैंने लिया है लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और ज़ीरा। तो सबसे पहले हम भगार में डालेंगे प्याज और लहसुन। ये देखिए आप, मैंने इसमें लहसुन और प्याज डाल दिया है। मैंने वही ऑयल यूज़ किया है भगार के लिए जिस ऑयल में मैंने पकौड़े तले थे। ठीक है, जब जैसी ये लाइट ब्राउन होगा तो उसमें मैं बाकी चीज़ें डालूँगी। ये देखिए, इसमें प्याज और लहसुन जैसी ही ब्राउन होना शुरू हुआ, मैंने साथ साथ ज़ीरा भी डाल दिया है और थोड़ा सा और ज़रा सा ये डार्क होगा, और मैं इसके साथ साथ इसमें जो है वो कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। ये हमारी कड़ी बनके रेडी हो चुकी है। मैंने गरम गरम भगार इसके ऊपर डाल दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही सॉफ्ट और नरम पकौड़े बने हैं, टेस्ट में भी बहुत उम्दा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा बना के कि आप लोगों को कैसी लगी। मैंने इसके साथ बॉयल्ड राइस बनाए हैं। इसमें मैं फिर बता दूँ, मैंने लहसुन, प्याज, ज़ीरा, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ते का भगाड़ दिया है, और उसी ऑयल में मैंने भगाड़ दिया जिसमें मैंने पकौड़े तले थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त कड़ी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अगली रेसिपी में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।